वृंदावन में प्रवेश कैसे प्राप्त होगा। श्री वृंदावन धाम दिव्य अस्तित्व है, दिव्य धाम है, कोई साधारण भौतिक स्थिति नहीं है। ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त स्थान है। किसी भी प्रकार के भौतिक यातायात के माध्यम से कोई भी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। दिव्य धाम में दिव्यता के माध्यम से ही प्रवेश मिलता है। यहाँ की लता पता में श्रीमती राधा रानी का निवास है। यहाँ के प्रत्येक अणुरेणु में श्रीमती राधा रानी का ही आधिपत्य है। श्री कृष्ण भी सदैव राधा रानी के ही अधीन रहते हैं। जब वे राधा रानी प्रसन्न होती है तब वृंदावन की दिव्यता में प्रवेश प्राप्त होता है। अब राधा रानी कैसे प्रसन्न होती है? जब हम द्वेष भाव से मुक्त होकर श्री कृष्ण से और उनके भक्तों से वैष्णवों से प्रेम करते हैं और उनकी निरपेक्ष सेवा करते हैं तब राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। केवल राधा रानी की असीम कृपा से और अनुमति से ही कोई वृंदावन में प्रवेश कर सकता है। इसी कारण हमारे सभी आचार्य सभी गुरुजन यही बताते हैं कि वृंदावन में प्रवेश करने के समय से वृंदावन से निकलने के समय तक सदैव हृदय के अंदर के कोने में श्रीमती राधा रानी की कृपा की याचना करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए और सदैव उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जब हम वृंदावन के रसिक भक्तों का संग करते हैं और उनके चरणों में आश्रय ग्रहण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती है और तब जाकर हम वृंदावन के दिव्य भाव में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। श्री वृंदावन धाम की जय।